हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डीएलएड करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पहला और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट पे अपना नाम कैसे चेक करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है और आपको जो है कब तक कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, और दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इसमें इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च एटे पर आकर आपको SCERT लिख के सर्च कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से साइट ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग के सेक्शन पर आना है, यहाँ पर डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से काउंसलिंग का सेक्शन ओपन हो जाता है। यहां पर आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर डीएलएड लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर क्लिक टू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाता है। चलिए सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अगस्त को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी हो गया था, जिसमें आप 8 से 10 अगस्त तक दावापत्ति करने का जो समय दिया गया था। दावापत्ति हो जाने के पश्चात दोस्तों आज आपका जो है पहला मेरिट लिस्ट का फाइनल लिस्ट आ गया है। दोस्तों जिन कैंडिडेट का इस फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया है, यानी सिलेक्शन हो गया है, उन सभी कैंडिडेट को 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच कॉलेज जाना होगा। आपको जिस कॉलेज में सिलेक्शन मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन हो जाना है। उसके बाद दोस्तों 24 अगस्त को खाली सीटों की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वह 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों 29 से 31 अगस्त तक आपको जो है दावापत्ति करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस पेज में ऊपर आना होगा। यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलॉटमेंट लिस्ट और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों लिस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और फेस पे आपको जो है पहला सिलेक्ट करके सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसका मतलब यही है कि पहला लिस्ट पे आपका नाम किसी भी कॉलेज में सिलेक्टेड नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों आपका सिलेक्शन पहला मेरिट लिस्ट पे नहीं हो पाया है। दोस्तों काउंसलिंग कराते समय आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वह आपके कट ऑफ से कम गया होगा, इसीलिए आपका नाम नहीं आया है। इसके लिए आपको जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में जैसे ही रैंक ऊपर जाएगा आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस प्रकार से सिलेक्टेड कैंडिडेट का पूरा डिटेल आ जाता है, साथ ही नीचे आपको किस कॉलेज में आपको जो है एडमिशन लेना है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाता है। दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया होगा उन्हें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको होम के बटन पर क्लिक करना है। नीचे दोस्तों डीएलएड के बगल में क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पेज में जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और नीचे जो कैप्चा कोड आ रहा है उसको आपको जो भर के लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आप जो प्रोफाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपका पूरा यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही नीचे आएंगे तो एडिट प्रोफाइल, मॉडिफाई, चॉइस सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं व्यू अलॉटमेंट लेटर का आपका ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो इस प्रकार से यहाँ से नॉट अलॉटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सामने इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ यहाँ पर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का दो ऑप्शन दिया गया है। अगर जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इसके बाद आपके सामने अलॉटमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वहाँ आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो यहाँ से रिजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सेकेंड लिस्ट पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दोस्तों इस पेज में नीचे आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम,
जेंडर, आपका पूरा एड्रेस, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आवंटित संस्था का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जिस संस्था में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है उस संस्था का यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ कौन से प्रेफरेंस में आपको मिला हुआ है वह देखने को मिल जाएगा, कौन से कैटेगरी से मिला हुआ है, सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एडमिशन लेना होगा तो इसे प्रिंट करा लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है कॉलेज चले जाना है और वहाँ एडमिशन ले लेंगे। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है, उस वीडियो को आप जरूर देखें और दोस्तों आप जाकर एडमिशन ले लेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बताया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।